सो सुहेगा गाइस स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह लो यार्ड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड लो यार्ड स्टील के अंदर आप देखोगे भाई आज के दिन हमने जो इसका टारगेट आपको बताया था ऊपर में अट्ठारह रुपये पाँच पैसे का मैंने आपको इसका लेवल बताया था टारगेट बताया चार्ट के ऊपर निकाल कर वो हमें आज अचीव होते हुए नजर आया है बट स्टॉक की जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है सत्रह रुपये पचपन पैसे पर स्टॉक जो अपनी प्रीवियस क्लोजिंग पर क्लोज होते हुए नजर आया है इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टारगेट्स को लेकर आने वाले क्या टारगेट हो सकते हैं और क्या हमें स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं एज ए लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक कैसा है और क्या स्टॉक यहां से हमें अच्छे टारगेट दिखा पाएगा बजट के अंदर तो आपको डिटेल में बताएंगे दस पर ओपन हुआ उसके बाद जो हाई लगाया अठारह रुपए पंद्रह पैसे का हाई लगाया है तो ऊपर के लेवल से हमें देखने को मिला प्रॉफिट बुकिंग जी हाँ आज के दिन हमें प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर होते हुए नजर आई है जो मैंने हमारी कल वाली वीडियो में आपको बोल दिया था कि भाई देखो टारगेट आपको ये दिखा सकता है स्टॉक लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है कल के दिन भी आपने देखा होगा लगभग स्टॉक 7-8% भागा था और आज भी आप देखोगे सुबह-सुबह स्टॉक -सुबह के अंदर गजब की तेजी बनी ओपन हुआ 18 दस पर हाई लगाया ₹18 15 पैसे का और कल के लेवल्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे 1 करोड़ प्लस वॉल वॉल्यूम वक्त नज़र आई है उसके साथ साथ आप देखोगे एक ए एम ओ हमें देखने को मिला लगभग तीन हज़ार नौ सौ सतहत्तर क्वान्टिटी जो कि कम क्वांटिटी लगी हुई कल के दिन आपने देखा होगा तीन लाख प्लस लगी हुई थी और जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है हमें देखने को मिली डिलीवरी पोजिशन यहाँ पर आप देखोगे कैसा रहा आज के दिन जो ट्रेडेड क्वान्टिटिटी देखने को मिली है एक करोड़ पंद्रह लाख के आसपास डिलेवर क्वानिटी आप देखोगे पचास लाख चौहत्तर हज़ार के आसपास यानी कि लगभग फोर्टी फोर परसेंट के आसपास डिलीवरी उठाई गई तो डिलीवरी अच्छी उठी है और एक बाइंग के लिए ऑर्डर लगा हुआ है इन सबको देखते हुए स्टॉक के अंदर तेजी बन सकती है ठीक है आज आपने देखा मेटल सेक्टर में थोड़ी हमने जो निराशाजनक वाली बात सी आप तो नहीं बोल सकते लेकिन जो मेटल सेटर ना आज के दिन हमें जो ना कंसोलिडेट करते नजर आए हैं उसी लेवल के आसपास जो प्रीवियस में हमें जो ना देखने को मिला है तो चलिए देखते हैं अब इसके कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कल के लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आपको अट्ठारह रुपये पाँच पैसे का लेवल बताया स्टॉक ने इसको ब्रेक किया और ऊपर में स्टॉक अट्ठारह पाँच के आपको लेवल अठारह रुपये पंद्रह पैसे के लेवल दिखाए हैं तो ऐसे में भी देखो इसका नीचे में जो सपोर्ट निकल रहा है यहाँ से स्टॉक अंदर जो तेजी के लेवल है वो बन रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपको एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली है ऊपर के लेवल से वो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है तो यहाँ से आप देखोगे लास्ट में आपको जो ना भाई फिर से एक रेड कैंडल बनते नजर आई है उसी के साथ साथ आप देखोगे भाई स्टॉक का जो आपको नीचे में एस एल लेके चलना है हाल फिलहाल ठीक है वो हमारा यहां पर आप देखोगे सोलह पिचानवे का है अगर शॉर्ट टर्म वाले इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो अठारह पिचानवे का आपको एस में स्टॉक आपको देखो भाई हमारा जो तो रेजिस्टेंस रहेगा अठारह रुपए पांच पैसे का रहेगा अगर ब्रेक करता है इसके ऊपर करता है कल के दिन फिर जो ये शेयर आपको ट्वेंटी प्लस के लेवल दिखा सकता है तो स्टॉक आपको ये ऊपर में लेवल दिखा सकता है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और जो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है भाई जो नीचे के लेवल से उठा रखा है वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता है यहाँ से स्टॉक का जो ट्रेंड है वो रिवर्स भी हो सकता है क्योंकि मार्केट आप देखोगे भाई आपको कंसोल्टेंट करते हुए ऊपर जा रही है ठीक है थोड़ी थोड़ी तेजी बंद कर स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी के थोड़ी थोड़ी तेजी के साथ मार्केट हमारा जो है ऊपर जा रहा है लेकिन ग्लोबल मार्केट पूरा नेगेटिव है तो हमारा जो मार्केट है वो एकदम से हमें टूटते हुए नज़र आएगा तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर जो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकता है और नीचे के लेवल पर आपको फिर से स्टॉक अच्छी रेंज में मिलेगा तो वहाँ से उठा लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो